अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ हमजा मनियार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जब मेलकम मार्शल दुनिया के बहुत अच्छे बॉलर समझे जाते हैं, जब वो बॉलिंग करते थे तो उनकी फील्ड सेट से उनकी बॉलिंग और उनके एटीट्यूड का समझ में आता था बैट्समैन को कि वो अटैकिंग माइंडसेट से बॉलिंग करना चाह रहे हैं। सिली पॉइंट, शॉर्ट लेग, चार स्लिपे, दोस्त आगे खड़े होते थे सर के पास बिल्कुल, ऐसी फील्ड सेट अगर आप देखें तो आपको इमरान खान की बॉलिंग में भी जब वो पीक पे थे आपको नज़र आएगी। ये वो फील्ड सेटिंग होती है जिससे कैप्टन बताता है बैट्समैन को कि हम डरने नहीं आए हैं, हम आपको लेके जाएंगे, आपको जल्दी आउट करेंगे और आपको अग्रेसिवनेस से आउट करेंगे। आपको ये चीज़ पाकिस्तान में मिसिंग है, और जब तक ये चीज़ मिसिंग रहेगी नसीम शाह के आप कोई भी बॉलर ले आएँ वो ऐसे ही डिफेंसिवनेस में आ जाएगा और अपना करियर ख़राब कर देगा। नसीम शाह का फ्यूचर क्या होगा मिसबाह हक और अजहर अली के हाथों, क्योंकि मुझे इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो बिल्कुल भी अटैकिंग नहीं लगता। अटैकिंग कैप्टन की ज़रूरत है आपको, वो चीज़ सरफराज के अंदर देखी गई थी जब वो नए नए आए थे, वो अटैकिंग कैप्टन की ज़रूरत है आपको अभी के लिए भी। पाकिस्तान अगर यंगस्टर्स लेके आना चाह रहा है ऊपर तो उनको अटैकिंग माइंडसेट चाहिए, अदरवाइज आपकी क्रिकेट बहुत पीछे चली जाएगी। जितनी भी दूसरी टीम्स हैं, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ अफ्रीका है, इंग्लैंड है, इंडिया है, ये सब अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं, ये डरते नहीं हैं दूसरे ओपोनेंट से। अगर आप डर गए तो आप पहले ही गेम में हार चुके हो।